अस्सलाम वालेकुम। सो गुस्सा ना आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट आदत है और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा बड़ा अहम है कि आप अपने गुस्से को काबू में रखें और कोई आपको कुछ कहे तो आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस हैबिट कि आपको किसी के कुछ कहने से फ़र्क ना पड़ता हो, आप जल ना उठते हो, आप तड़प ना उठते हो। इफ़ यू कैन कंट्रोल योर एंगर, योर इमोशंस बींग प्रोवोक बाई समवन, किसी के कुछ कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में अक्सर इस बात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग देखते हैं ना कि यार इस सामने वाले को तो कुछ भी कह दो, इसको बेइज्जत भी कर दो, इसका मजाक भी उड़ा दो, इसको जलील भी कर दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये गुस्सा नहीं करता, ये माइंड नहीं करता, वो अगला मजाक मजाक में आपकी चित्रोल करता रहता है, इसलिए क्योंकि उसको पता है ये तो माइंड ही नहीं करेगा, ये तो बेचारा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गुस्सा ना आए, लेकिन कभी कभार गुस्सा ना आने के बावजूद गुस्सा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू ड्रॉ अ लाइन, लोगों को ये बताना ज़रूरी होता है कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट डजन्ट मीन कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप जो चाहें कहते रहें, आप जो चाहें बकते रहें, आप जो चाहें बोलते रहें। सो यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन, आपको अपने ऊपर काबू ज़रूर रखना है, दिस इज़ वेरी गुड, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात दूसरों को पता नहीं होनी चाहिए। दूसरों को लगना चाहिए कि यार इस बंदे को फ़र्क पड़ता है, ताकि वो ज़रा सोच समझ के बात करें, अदरवाइज दे विल कीप अटैकिंग यू, दे विल कीप रिडिक्यूलिंग यू। सो इवन इफ यू डोंट माइंड, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू माइंड, दैट यू हैव अ माइंड, दैट थिंग्स दे जस्ट कॉन्ट टेक यू कैजुअली एंड से एनी थिंग दैट दे वॉन्ट, एनी थिंग दैट दे डिज़ायर। शट अप कॉल देना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी एंगर दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाय हेल्दी एंगर वुड बी मीन इज़ कि आप अंदर से खुद को ना जला रहे हो, लेकिन आप अगले को उसकी बाउंड्री ज़रूर बता दें, वरना लोग फ्री हो जाते हैं।